नमस्कार दोस्तों, आज एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बाराबंकी जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर आदर्श हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, बाराबंकी जनपद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है, राजधानी लखनऊ का सबसे नज़दीकी जनपद है, एक बड़ी जनसंख्या है। यूपी के बड़े ज़िलों में बाराबंकी गिना जाता है, लगभग 35 लाख से ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या है और कृषि आधारित जनपद है ये। और बाराबंकी में भी जो चुनौतियां पूरे देश में हम देख रहे हैं, पूरे विश्व में देख रहे हैं, वो चुनौतियां बाराबंकी में भी हैं। इसके साथ ही चूँकि कृषि आधारित है, यहां उद्योग कम हैं, तो यहां के लोगों को लॉकडाउन के पीरियड के बाद जिस तरह से आर्थिक सुस्ती पूरे देश में आई है, उसके बाद यहां के लोगों की आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पे लाना, उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराना, उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाना और तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं उस पर हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के ज़िलाधिकारी डॉक्टर आदर्श से। डॉक्टर आदर्श, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको मैं डॉक्टर साहब कह रहा हूं क्योंकि आपके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि मेडिकल फील्ड के भी आप डॉक्टर हैं और प्रशासनिक दायित्व एक IAS अफसर के रूप में भी आप निभा रहे हैं, तो और ख़ास तौर पर कोरोना के संकट में ये जो दोहरी काबिलियत है आपकी, मुझे लगता है कि इससे भी कुछ अतिरिक्त लाभ मिल रहा होगा पूरे जनपद को, सरकार को और आपको बेहतर सेवा देने में। जी, पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रशासनिक दृष्टि से जो प्रशासनिक रोल है मेरा, वो ज़्यादा अहम है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी बात सही है, समय समय पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी जो डॉक्टरी की पढ़ाई थी उसका भी मुझे प्रयोग जो है वो करना पड़ता है। DM साहब, बाराबंकी जनपद चूँकि राजधानी लखनऊ के बहुत नज़दीक है, तो यहाँ की छोटी खबर भी बड़ी खबर बन जाती है अक्सर। और बीच में बाराबंकी में जब कोरोना का प्रकोप पूरे देश में शुरू हुआ तो काफ़ी दिनों तक बाराबंकी में ज़ीरो केस था। ये एक सफलता रही आपकी क्योंकि लखनऊ के नज़दीक होते हुए, लखनऊ से तमाम मूवमेंट्स होते हुए, और लखनऊ में उस समय सैकड़ों में संक्रमण था, तब तक बाराबंकी ज़ीरो रहा। लेकिन अचानक बाराबंकी में संख्या बढ़ना शुरू हुई और फिर तेज़ी से बढ़ गई। क्या देख पा रहे हैं आप? आपने फील्ड में भी काम किया, लोगों के बीच रहे और हर जगह आप जा रहे हैं, क्या वजह आपको दिखाई पड़ी? देखिए, जब शुरुआत हुई थी कोरोना संक्रमण की पूरे देश में, तो उसके कई चरण थे। पहले चरण में जो विदेश से हमारे यात्री आए थे उनसे शुरुआत हुई थी, तभी जो है आगरा जैसे, जो लखनऊ जैसे जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं या जो राजधानी थी, वहाँ पर शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे जब तबलीगी जमातियों में संक्रमण की वृद्धि हुई तो वो जहाँ जहाँ पे पाए गए उसके कारण से बढ़ोतरी हुई कोरोना संक्रमण में। उसके बाद एक दौर आया जिसमें कि मेडिकल संक्रमण का दौर आया, जिसमें कि विशेषकर आगरा और बाकी अन्य जनपदों में जो अस्पताल थे उसमें कुछ संक्रमण फैला। जो चौथा दौर आया था वो जो हमारा तृतीय चरण आरंभ हुआ लॉकडाउन का, मई की अगर हम बात करें तो उसमें हम सब जानते हैं कि भारी संख्या में महाराष्ट्र से, दिल्ली से, दक्षिण प्रांतों से और अन्य जगहों से लोगों का पलायन एक तरह से शुरू हुआ, जो वहाँ पे हमारे प्रवासी थे, श्रमिक थे। और ये सारी संख्या जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे राज्यों की तरफ बढ़ना शुरू हुई। और हमारे यहाँ भी जो अधिकांश केसेस आए और जो बाकी भी पूर्वांचल के जनपद में, प्रदेश में केसेस आए, वो यही केसेस आए जो कि ये प्रवासी थे, जो कि बाहर जनपदों से आए थे, बाहर प्रांतों से आए थे। और ख़ासकर इसमें मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, जयपुर, हरियाणा, यहाँ से जो भी लोग आ रहे थे उनमें संक्रमण की दर जो है वो औसत से थोड़ी अधिक पाई जा रही थी। तो जो एक वृद्धि हुई थी वो वृद्धि इस वजह से नहीं हुई थी कि यहाँ के जो निवासी हैं उनमें संक्रमण हुआ था, बट बाहर से जो ये लोग आए थे जो कि वहाँ से संक्रमित होके आए थे और उनके जो नज़दीकी संपर्क थे वो संक्रमित पाए गए थे। और ये एक फिनोमेना ऐसा था जो कि केवल बाराबंकी तक सीमित नहीं था। आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती, चंदौली, हर जगह ये संख्या में बढ़ोतरी उस दौरान हुई थी। अब धीरे धीरे जैसे ही ये दौर एक तरह से समाप्ति की ओर अब है, अब जितने लोग आने थे वो सब आ चुके हैं पिछले एक माह में, तो ये अपेक्षा और आशा की जा सकती है कि इस संख्या में थोड़ी कमी आएगी और हम संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है। एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का भी मानना है, जो राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स हैं, कि जो मोबिलाइजेशन था अब उसमें स्थिरता आई है, लोग अपने ठिकानों पे पहुंच गए हैं, लोग रुके हैं, एक बार उनके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग आएंगे हो सकता है वो भी संक्रमित हों, तो तेज़ी से बढ़ने के बाद अब, और ट्रेसिंग भी बहुत तेज़ी से हो रही है,
मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अपनी टेस्टिंग क्षमता को जून एंड तक 20,000 करें, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम 1.5 लाख बेड तैयार करें। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक जनपद अपनी आबादी के अनुपात में, प्रत्येक जनपद का जो नेतृत्व अधिकारी कर रहे हैं वो अपने ज़िले की आबादी के अनुपात में कुछ एक फिगर बना के मन में अपने ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि शासन जो कह रहा है उससे आगे की भी आप सोच के रखते होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कई फेजेस में लक्ष्य बढ़ाया है। इसके पहले उन्होंने 1 लाख बेड की बात कही थी, अब उन्होंने 1.5 लाख बेड्स की बात कही है, और यदि संक्रमण बढ़ता है तो हो सकता है आगे 2 लाख बेड्स की तैयारी करें। तो बाराबंकी जनपद के संसाधनों के हिसाब से, बिल्डिंग्स के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से आप गंभीर स्थितियों के लिए कितना तैयार हैं? देखिए, हमारे यहाँ जब शुरुआत हुई थी तो आपने सही बात कही थी, उस समय का जो आकलन था उसके हिसाब से हमारे 2 CHC थे उनको तैयार किया गया था कोरोना अस्पताल के रूप में, जिसमें कि संख्या जो है लगभग 50-60 मरीजों की थी। धीरे धीरे जैसे इस संख्या में वृद्धि आती गई, शासन से भी निर्देश प्राप्त होते गए, आज हम इस स्थिति में हैं जब मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास, हमने चिन्हित करके रखे हुए हैं लगभग 750 से 1,000 ऐसे बेड्स हैं जो L1 अस्पताल के रूप में जिनका प्रयोग किया जा सकता है, जो कि हमारे सरकारी अस्पताल भी हैं, हमारे निजी अस्पताल भी हैं, कुछ अन्य संस्थान भी हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बाकी अन्य जगहें, और इनको ज़रूरत पड़ने पे हम शॉर्ट नोटिस पे इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं L1 अस्पताल के रूप में, जहाँ पर हमारे ऐसे संक्रमित व्यक्ति जिनमें लक्षण नहीं है या बहुत कम लक्षण है उनका हम उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारे जनपद में हमारे पास 2 बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, उनको भी शासन ने पहले से ही L2 इकाइयों के रूप में चिन्हित किया है, जहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित हैं और जिनमें लक्षण थोड़े गंभीर हैं उनको भर्ती करके रखा जा सकता है। उसकी संख्या भी वहाँ पे भी बेडों की संख्या 1,000 से 1,200 की चिन्हित की गई है, तो वो भी हमारे पूर्ण रूप से तैयार हैं। और बाकी जो L3 अस्पताल होते हैं जिसमें कि बहुत ही गंभीर लक्षण होते हैं, या जो कि ऐसे लोग, गर्भवती महिलाएं हैं या बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिनमें अन्य बीमारियां हैं, उनको रखा जाता है, वो तो लखनऊ में नज़दीकी होने के कारण उसका हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं, KGMU हैं और बाकी अन्य जो बड़े सेंटर्स हैं। तो पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं जैसे जैसे शासन से निर्देश प्राप्त होते हैं। आज की स्थिति में मुझे ये संतुष्टि है कि ना केवल हम वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं, बल्कि भविष्य में अगर इस संख्या में वृद्धि भी होती है तो भी हम इस चुनौती से निपट सकते हैं। दूसरी बात, आपने जो टेस्टिंग क्षमता की बात की वो भी बहुत सही बात है। प्रदेश एक सभी के लिए, उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन चुका है पूरे देश में, जिस तीव्र गति से हम लोग ने टेस्टिंग क्षमता अपनी बढ़ाई है, और अब तो आप सबके संज्ञान में है कि प्रत्येक जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों के द्वारा जिला अस्पताल में TrueNAT मशीन को भी इंस्टॉल किया गया है, हमारे भी जिला अस्पताल में है, और उससे सहूलियत ये मिल जाती है कि कोई भी अगर केस आता है जिसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है, पहले ये होता था कि उसका सैंपल जाता था फिर वो लैब जाता था लखनऊ में, उसमें कम से कम 24 से 72 घंटे का समय लगता है। इस TrueNAT मशीन से वो अवधि जो है रिड्यूस होकर 4 से 6 घंटे तक पहुंच गई है, और इससे हमें बहुत सहूलियत होती है। अगर कोई गर्भवती महिला है जिसका सिजेरियन ऑपरेशन होना है, कोई और सर्जिकल प्रोसीजर होना है, तो हम टेस्टिंग कर लेते हैं, हमें तत्काल रिजल्ट पता चल जाता है, और नेगेटिव आने की स्थिति में हम ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये सुविधा ना केवल सरकारी अस्पतालों के लिए है, बल्कि हमने तो ये भी किया है कि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं जो इमरजेंसी केसेस करते हैं उन्हें भी अगर आवश्यकता हो तो हम इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जनपद के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। गंभीर रोगियों के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सुविधा है, इसके बाद जो गंभीर रोगी हैं जिन्हें त्वरित चिकित्सा चाहिए, तो लाइफ सेविंग की दृष्टि से, जीवन बचाने की दृष्टि से काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि बीच में ये शिकायतें आ रही थी कि डॉक्टर्स, चूँकि वो भी अपनी अपनी हिफाजत के लिए चिंतित हैं, तो वो बहुत से मरीज़ों के नज़दीक जाके उन्हें उपचार नहीं दे पा रहे थे, और ये काफ़ी सवाल भी थे पब्लिक के। हालांकि ये जवाब आपने पहले ही दिया कि TrueNAT मशीन लग गई है तो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज रेस्टोर हो गई हैं। DM साहब, प्रायः आप लोग क्वारंटीन सेंटर्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स का भी आप इंस्पेक्शन करते हैं जहां पर हमारे पॉजिटिव मरीज काफ़ी संख्या में होते हैं, और फिर आप जब लौट के अपने घरों को आते हैं, अपने परिवार को आते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सब भी जब बाहर निकलते हैं फील्ड पे और घर में आते हैं तो स्वयं की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा को लेकर मन में एक शंका होती है और एक बड़ी उधेड़बुन रहती है कि घर में कैसे घुसें, क्या करें, कितने प्रिकॉशंस लें। तो
लेकिन चूंकि काम भी करना है, सभी को देश के लिए काम करना है और आप लोगों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी जनसंख्या को आप सुरक्षा देने का दायित्व है आपका, तो किस तरह की फीलिंग्स होती हैं और कैसे आप मेंटेन करते हैं प्रिकॉशंस को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय जो वर्तमान में चुनौती है उसको बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही डेडिकेशन से, लगन से, मेहनत से हमारे जो फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो राजस्व विभाग के हों, विकास विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, पुलिस विभाग के और अन्य सभी विभागों के, वो जमीन पर लड़ रहे हैं। हर दिन वो अपने आप को डेंजर में रख के ये कार्य कर रहे हैं और हम लोग का ये दायित्व बनता है इस पद पर बैठ के, जिलाधिकारी के रूप में या अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के रूप में, कि हम उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका उत्साह बढ़ाएं और उन्हें ये ना लगे कि वो इस लड़ाई में, युद्ध में अकेले हैं, उनका जिले का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ है। तो उसी दृष्टि से हम लोग भी लगातार फील्ड में रहते हैं, भ्रमणशील रहते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि जब कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो एक मन में एक डर, एक शंका ज़रूर रहती है कि ये संक्रमण, क्योंकि ये वायरस है, ये अदृश्य वायरस है और ये किसी को देखता नहीं है कि कौन किस पद पर बैठा है और कौन कहाँ से आया है, और किसी को भी ये संक्रमित कर सकता है। तो हम लोग पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग भी अभी आए थे तो पूरी टीम को बाहर सैनिटाइज़र था तो सैनिटाइज़र करवाया गया, थर्मल स्क्रीनिंग भी हम लोग करवाते हैं। जब घर आते हैं तो घर में सबसे पहला कार्य मैं ये करता हूँ, क्योंकि इस समय परिवार साथ में, दो छोटे बच्चे भी हैं, तो सबसे पहले मैं बाथरूम में जाता हूँ, स्नान करता हूँ, अपने कपड़े बदलता हूँ और उसके बाद ही उनके संपर्क में आता हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हम बरतेंगे तो वो बहुत घातक हम सबके लिए सिद्ध हो सकती है। डीएम साहब, लगभग 18-20 वर्षों से मुझे भी पत्रकारिता का अनुभव है, आपको भी इस फील्ड में अपनी और काफ़ी एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि भारत की प्रशासनिक सेवाओं का जब से गठन हुआ है, इतनी बड़ी चुनौती कभी प्रशासन के सामने किसी रूप में नहीं आई होगी, और शायद जीवन में, मानव जीवन में आगे या मानव जीवन के इधर पिछले कुछ दशकों के इतिहास में, जब से सुव्यवस्थित प्रशासन चलने लगा पूरे विश्व में, राजतंत्र के बाद का जो काल आया है पिछले काफ़ी वर्षों में, तो मैं मानता हूँ, मेरी ये फीलिंग है कि शायद ये दुनिया को बहुत, या हमारे देश की व्यवस्थाओं की हम बात करें तो एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है, बहुत बड़ी चुनौतियों से हम लड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन के लिए भी शायद ये एक अभूतपूर्व काल है ये, और जो अफसर प्रशासन में काम कर रहे हैं, जो युवा अधिकारी हैं, उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती से लड़ना, बहुत कुछ सीखना और देश के हित में बहुत कुछ डिलीवर करने का भी अवसर है। आपने बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि 20 साल, क्या मैं तो कहूँगा कि सैकड़ों साल में भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई थी। 1919 में अंतिम बार पूरे विश्व में इन्फ्लुएंजा पैंडमिक आया था और लगभग ये 100 साल बाद जो है अब हम इस परिस्थिति से पूरे विश्व में झेल रहे हैं। और इस बात से भी दो राय नहीं हो सकती है कि शायद इन्हीं परिस्थितियों में प्रशासन का, सरकार का जो रोल है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और सरकार भी, जिले में अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ही सरकार का को रिप्रेजेंट करता है, जितने निर्देश हैं उनका अनुपालन ग्राउंड पे उन्हीं को करना होता है, वही कर्मचारी हैं, वही अधिकारी हैं जो कि आम परिस्थितियों में भी जनता की सेवा में होते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में दायित्व हमारे और बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी और बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हमें ये भी एक तरफ देखना है कि हम स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि इन परिस्थितियों में जो जनता है उसे भी कोई तकलीफ ना हो, सारी जितनी सुविधाएं हैं, शासन की योजनाएं, वो उन तक मुहैया हों। और जैसा आपने कहा कि क्योंकि इसका कोई ब्लूप्रिंट पहले से नहीं उपलब्ध, जब भी हम बाकी परिस्थितियों की बात करते हैं, जैसे इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत मेहनत होती है, बहुत कार्य होते हैं, बट इलेक्शंस का एक अपना सेट प्रोसीजर होता है, और एक सीमित वक्त भी होता है। कोरोना को लेकर ये था कि शायद गर्मियां आएंगी, चला जाएगा, चूंकि तमाम प्रेडिक्शंस हुए, लेकिन इसका जो समय काल बढ़ रहा है, कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं हमारे हेल्थ वर्कर्स बोर ना हो रहे हैं, उनका मनोबल ना गिर रहा हो, थक ना रहे हों, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें पूरे देश से आती हैं और ये देखने में आ रहा है कि सभी लोग पूरे उत्साह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपका कहना, और इसमें कोई हमारे पास अनुभव भी नहीं था, रोज़ हम सीख रहे हैं, हमें नहीं पता था शुरुआत की अगर हम बात करें कि कैसे हमें, अगर हम कहीं पे किसी गांव में संक्रमण पाया जाता है तो हमें सीलिंग कैसे करनी है, सैनिटाइजेशन कैसे करना है, ये प्रोटोकॉल्स डेवलप हो रहे थे, विकसित हो रहे थे और हम भी सीख रहे थे कैसे इसको बहुत
अच्छी तरीके से हम लोग लागू करें। और इसमें बीच बीच में ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जिससे हमारा मनोबल भी कुछ कम होता है। जैसे अभी हाल में आपने सुना होगा कि अम्बेडकर नगर में जो CMS साहब थे उनकी मृत्यु भी इसी कोरोना से ग्रसित होकर हुई, तो उससे भी हम सब का मनोबल कहीं ना कहीं बहुत टूटा था। और न केवल अम्बेडकर नगर जनपद में बल्कि मैं कहूँगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और क्योंकि किसी एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की मृत्यु होना इस संक्रमण से ग्रसित होकर, तो इन सब चुनौतियों से भी हम लोग जूझ रहे हैं, मानसिक चुनौतियों से भी और कार्य की चुनौतियों से। लेकिन मुझे जैसा आपने कहा कि अद्भुत है जिस प्रकार से पूरे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे जनपद में भी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, और न केवल अधिकारियों कर्मचारियों की मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारे जनता के लोग हैं इस पूरे संकट की घड़ी में, वो भी सामने आके होकर आए हैं। बल्कि मैं कई बार कहता हूँ कि प्रशासन और जनता के बीच में अब कोई दूरी नहीं रह गई है। ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं लोगों ने, चाहे वो हमारे दवा बांटने का कार्य हो, क्योंकि दवा की दुकानें बंद हुई थी तो हमारे छोटे छोटे स्टॉकिस्ट, व्यापारी, रिटेलर, होलसेलर, सबने, ऐसा लगता है कि संकट के समय देश को थामने के लिए सब आगे आ गए। सड़कों पर रेला था, सेवा करने वाले मदद कर रहे थे, जो साधारण परिवारों के लोग, मैंने यहाँ तक देखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि मोटरसाइकिल से जो लोग खुद चलते थे, जिनकी ज़्यादा आय नहीं है, स्वयं एक मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल पर भी वो राहत सामग्री लाद के लोगों को बांट रहे थे। बिल्कुल, तो ये अद्भुत रहा है। मतलब मैं अपने जनपद की अगर बात करूं तो जनता का जो सपोर्ट रहा है, जनता जिस उसमें आगे आई है जिस तरह से, वो मेरे लिए वाकई अद्भुत रहा। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं इस जनपद में इस दौरान कुछ कर पाया और अपनी सेवाएं दे पाया। कई बार सभी लोग भावुक हो जाते हैं। हालात बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह से सीमा पर हमारे फौजी देश की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो यहाँ भी अब देश के अंदर भी एक बड़ा युद्ध चल रहा है, एक महायुद्ध चल रहा है। और आप सभी, मैं कहूँगा कि आप सभी बड़े योद्धाओं के रूप में अपने ज़िले की, अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम डिलीवरी दे सकें। संसाधन भी सीमित हैं, अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत होगी, और उन सीमित संसाधनों को, और मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी ने कितनी तेज़ी से अपने कैरेक्टर को मजबूती से ज़रूरत के हिसाब से ढाला है। इलेक्शन में आप इलेक्शन मोड में आ जाते हैं, कुछ महीनों का रहता है समय, लेकिन कोरोना का लगभग 4-5 महीनों का दौर ये चल रहा है। खैर, इसके लिए हम सब बधाई देंगे आप सबको और पूरे देश में जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो अधिकारी हैं। और विद्वानों से अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान मैंने सुना था कि भारत में 3 इंस्टीट्यूशंस बड़े महत्वपूर्ण है। मेरे फादर भी कहते थे कि भारत में जो हमारी व्यवस्था है उसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और आपने भी कहा, तो ज़िले में आपको न सिर्फ अपना मनोबल ऊंचा रखना है बल्कि जो हज़ारों लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, कई बार लोग शिकायतें भी करते होंगे, कैसे अपनी पूरी टीम का मनोबल ऊंचा रखते हैं? जैसा मैंने कहा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि शुरुआत में हम सब डरे हुए थे, काफ़ी डरे हुए थे। मुझे याद है जब पहला व्यक्ति हमारे जिला अस्पताल में, हमने ये पाया था कि उसके हिस्ट्री के हिसाब से उसको आइसोलेट करके सैंपल करने की ज़रूरत है, क्वारंटीन करके। तो जब क्वारंटीन वार्ड में रखा गया था तो खुद मैं और पुलिस अधीक्षक वहाँ पे थे और ये सुनिश्चित कर रहे थे कि वो क्वारंटीन वार्ड में है कि नहीं है, क्योंकि हम सब डरे हुए थे, हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक पुलिस अधिकारी सब डरे हुए थे कि ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिससे कि, और ये नया विकसित हुआ दुश्मन है। लेकिन धीरे धीरे हम सब ने देखा कि कैसे हम सावधानियां अगर बरतें तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हमें एहतियात बरतना है, सावधानी बरतनी है। और यही बात मैं बारंबार जो है जनपद की जनता को भी और सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी कहता हूँ कि हम लोग सावधानी ज़रूर बरतें, लेकिन इससे डरने की, घबराने की संख्या से, जो बढ़ती हुई संख्या, उससे भी डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय का DM साहब समापन करते हैं। एक अंतिम प्रश्न इस विषय से जुड़ा हुआ कि जो हज़ारों हमारे यहाँ बाहर से जो हमारे भाई बंधु आए हैं, जो श्रमिक आए हैं, कामगार आए हैं, उसमें कुछ लोग स्किल्ड भी हैं, तो जनपद में ही अब उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराने की चुनौती है आपके सामने। ज़िले में पिछले कुछ दशकों में तमाम उद्योग, फैक्ट्रियाँ किन्हीं कारणों से बंद भी हुए थे, और मुझे लगता है कि जो बंद उद्योग हैं, अगर उन्हें नई टेक्नोलॉजी के साथ चालू करने का प्रयास किया जाए, सरकार से बात करके कोई उनके लिए सब्सिडी की योजना की, उन्हें रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रीज़ या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को विलेज लेवल पर मनरेगा के ज़रिए, और भी तमाम जो विकल्प हो सकते हैं, आप उनको बेहतर समझते हैं, तो किस तरह से जो हमारे भाई बंधु बाहर से आए हैं उनको जीविका से जोड़ने का प्रयास हो रहा है?
देखिए, इस दृष्टि से पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष बल दिया गया है। हर जिले को निर्देश दिए गए हैं। राज्य पर भी इसके लिए एक डेडिकेटेड समिति का गठन किया गया और हमारे हर जनपद को ये निर्देश दिए गए। हमारे यहाँ भी एक रोज़गार समिति का गठन किया गया जिसका कार्य ही है, ये उसमें मेरे अध्यक्षता में है, जिले के सभी शीर्ष अधिकारीगण हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, हमें इसमें हमारी दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती तो ये है कि जो ज़िले में लोग निवास कर रहे थे उनके जो रोज़गार बंद हो गए, जो छोटे छोटे हमारे या तो सेल्फ एम्प्लॉयड थे या ऐसी कोल्ड स्टोरेज और अन्य ऐसे एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में एम्प्लॉयड थे, उनकी जो रोजी रोटी छिनी है उनको हम कैसे वापस अपने पैरों पर खड़ा करें। और दूसरी चुनौती थी कि जो प्रवासी आए हैं हमारे, उनको हम कैसे रोज़गार उपलब्ध कराएं। तो इसका एक पूरा ढांचा, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि नरेगा में हम जितने से जितने हमारे अनस्किल्ड लेबर हैं उनको कार्य दे सकते हैं उनको दिया जाए, और बाकी को स्किलिंग की एक्सरसाइज, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने एक तरह से एक पाइनियरिंग वर्क किया है। हमारे पास पूरा डेटाबेस उपलब्ध है जितने हमारे प्रवासी श्रमिक आए हैं हर जनपद में, और उनके हमारे पास स्किल सेट्स भी हमने उसमें टैग किए हुए हैं कि कौन मैकेनिक है, कौन ड्राइवर है, कौन कारपेंटर है, और उसके हिसाब से फिर हम उसको लिंक करेंगे रोज़गार सृजन के जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने इसमें उद्योगों से भी बात किया हुआ है, जितनी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उन सब से बात किया हुआ है। तो धीरे धीरे इस पर कार्य शुरू हो रहा है। नरेगा में ही अगर मैं हम बात करूँ, अभी तो लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार प्रवासी इस समय जो बाहर से आए हैं वो प्रत्येक दिन उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम साहब, एक और उल्लेखनीय कार्य इधर हुआ जनपद में, कल्याणी नदी जो इस ज़िले की एक महत्वपूर्ण, इस ज़िले का प्राकृतिक संसाधन है, वो विगत कुछ दशकों में उपेक्षित हो गई थी और मृत प्राय हो गई थी। तो कल्याणी नदी को फिर से जीवन देने का प्रयास आपकी टीम ने किया है, आपने किया है, और इस अवधि में, लॉकडाउन की अवधि में, कोरोना काल में कल्याणी में जो श्रम का सृजन और श्रम के जरिए जो रोज़गार का सृजन हुआ है, किस तरह से उससे लोगों को मदद मिली है, और अब इस नदी का जो नया भविष्य, नया स्वरूप सामने आएगा, वो किस तरह से जनपद को एक बेहतर दिशा में ले जाएगा? देखिए, कल्याणी नदी लगभग 170 किलोमीटर की यह नदी है और इसका अधिकांश हिस्सा हमारे जनपद में पड़ता है। बहुत समय से, जैसा आपने कहा कि ये मृतप्राय हो चुकी है, इसका सिर्फ कागज़ में ही ये बची है। तो हम लोग ने ये सोचा था और ये इस साल की जनवरी से हम लोग ने प्लानिंग शुरू की थी कि कैसे इसको धीरे धीरे हम लोग कोशिश करें कि इसको हम दोबारा पुनर्जीवित करें। इसमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हम लोग ने अप्लाई, जहाँ पर मशीनों की ज़रूरत थी वहाँ पे हम लोग ने अपने सिंचाई विभाग के बाड़खंड से कहा कि आप प्रोजेक्ट भेजिए, उसको अप्रूवल करवाइए। उसमें कुछ हद तक हमें सफलता मिली, और जहाँ पे हमें ये लगा कि नरेगा से हम कार्य कर सकते हैं बिना मशीनों के, वहाँ पे इसको हम प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ये पहली बार प्रयास हो रहा था। तो इसको हमने खंडों में विभाजित किया, हमें लगा कि हम पहले एक गाँव लेंगे, देखेंगे उससे हमें क्या सीख मिलती है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ये भी एक दिक्कतें थी कि जो कागज़ पे नदी थी और जो ग्राउंड पे था उसमें काफ़ी अंतर था। कई स्थानों पर लोगों द्वारा इस पे, जैसा कि प्रायः होता है गांव में, कि कब्ज़ा भी कुछ जगहों पे कर लिया गया था। तो इन सब पे बैठ के सबसे वार्ता करके इन सब चीज़ों को निपटाया गया और शुरू किया गया। फरवरी में शुरू हुआ, जैसे ही इसकी शुरुआत हुई थी उसी समय लॉकडाउन आ गया। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, लॉकडाउन अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। जैसे ही लॉकडाउन में हमें रियायतें मिली और ये कहा गया कि नरेगा के कार्य शुरू हुए, हमने इसको दोबारा शुरू किया। और जहाँ एक समय हमें शायद समस्या होती कि हमें उस संख्या में लेबर नहीं मिल पाते क्योंकि रोज़गार के बहुत साधन उपलब्ध थे, लॉकडाउन के मद्देनज़र रोज़गार के साधनों में क्योंकि कमी आई तो नरेगा एकमात्र विकल्प बचा था। साथ ही हमारे प्रवासी श्रमिक भी इससे जुड़ गए, लगभग 300 से भी अधिक प्रवासी श्रमिकों ने इसमें अपना योगदान दिया है, और ये धीरे धीरे चलता रहा। और एक गांव जो मवैया गांव पड़ता है, वहाँ पे 2.6 किलोमीटर के स्ट्रेच को हम लोग ने पूरी तरीके से पुनर्जीवित किया है, और आज आप जाएंगे वहाँ देखेंगे कि वो पूरी नदी जो है, वो जैसे ये पहली बारिश की बूंदें पड़ी थी उसमें पानी आ चुका है, और इतना अच्छा वो दृश्य लगता है। मुझे पूरे 12 साल के अपने करियर में इससे ज़्यादा प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन शायद ही मिला हो, क्योंकि इसमें हम कई जो चीज़ों में सफल रह पाए, कई बिंदुओं में। पहले तो हमने नदी को पुनर्जीवित किया, वही पानी जो पहले बाढ़ का स्वरूप लेता था, जो आसपास के खेत थे वहाँ पे बाढ़ के रूप में आता था, वहाँ खेती बर्बाद होती थी, उससे किसानों को बचत, राहत मिलेगी। एक सिंचाई का साधन भी बन चुका है,
और एक इकोसिस्टम भी वहाँ डेवलप हुआ है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो सूनर और लेटर वहाँ पे मुझे पूरी आशा है कि जो भी उस क्षेत्र में मछलियाँ इत्यादि होती हैं और भी जो जीव जंतु होते हैं वहाँ, वो भी पनपेंगे। तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग रहा है और अब हमारी, हमने उसका सेकंड खंड शुरू किया है। हम अब दूसरे गांव में जा रहे हैं और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि बारिश समाप्त होते ही इसको और हम बृहद स्तर पर ले जाएँ और इस पूरी नदी को हम एंड टू एंड पुनर्जीवित करते हुए इसको एक नए स्वरूप में लाएँ। बहुत बड़ी, निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल, और ये पहल सफल हो रही है तो एक बड़ी उपलब्धि में तब्दील हो रही है धीरे धीरे। डीएम साहब, बाराबंकी के तमाम नौजवान, और बाराबंकी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जिनका कोई सरोकार है इस जनपद से, वो जो अब आपके ट्वीट्स देखते हैं और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो इसकी वजह से जो गवर्नेंस का दायरा और गवर्नेंस में जो संवाद का जो दायरा पहले सीमित था वो अब जनता तक पहुंच गया है सीधे। अब आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, आपको शायद हम लोगों की भी ज़्यादा आवश्यकता ना हो, आप सीधे जनता से संवाद कर लेते हैं। और ट्विटर पे अक्सर जब आप कहते हैं कि एक काम करिए, अपने घर पे रहिए, तो वो एक पंच लाइन बड़ी सॉलिड बन गई है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और बाराबंकी में इसके पहले जो कलेक्टर्स रहे, शायद सोशल मीडिया का उन्होंने उतना उसको महत्व नहीं दिया। तो आपको कितनी मदद मिली इसके ज़रिए से? फीडबैक भी मिलता होगा, सूचनाएं मिलती होंगी। देखिए, विशेषकर जब लॉकडाउन आरंभ हुआ था तब आप जान ही रहे हैं कि एक तरह से बंदिश लग गई थी मिलने में, बैठकों में, और उसी का कारण था कि एक तरह से संवाद भी स्थापित नहीं हो पा रहा था, ना हमारे अधिकारियों के बीच में, ना जनता के साथ, क्योंकि जनता दर्शन भी बंद हो चुका था, जनता जन सुनवाई बंद हो चुकी थी, और ना ही मीडिया के साथ संवाद संभव हो पा रहा था। फ़ोन वोन पे बात हो जाती थी, तो अधिकारियों और कर्मचारियों से तो बड़ी आसानी से व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है। मुझे लगा कि ट्विटर एक बहुत सटीक माध्यम है, क्योंकि खासतौर से जो हमारे नवयुवक हैं वो उससे भारी संख्या में जुड़े हैं और आप अपनी बात जो है रियल टाइम पे उनको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जैसे सैम्पलिंग होती है, रिजल्ट्स आते हैं, देर रात आते हैं, कभी 12 बजे 1 बजे, तो उस समय सबसे अच्छा माध्यम होता है कि ट्विटर पर रख दें, तो उससे आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाती है, आपको रियल टाइम में पता चल जाता है कि तथ्य क्या है और जनता को भी पता चल जाता है, और जो उसमें सावधानी उन्हें बरतनी है, अगर कोई एरिया सील हुआ है, हॉटस्पॉट डिक्लेयर हुआ है, वो उसमें कर सकती है। और जनता के उसमें कई सुझाव आते हैं जिसमें से कईयों को तो हम लोग ने अमल भी किया, जैसे कहीं कहीं पर ये पाया गया कि हॉटस्पॉट का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें हमने निरोधात्मक कार्रवाई की, कई जगह पे हमने ये पाया कि लोगों को ज़रूरत है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं जिनको दवाओं की आवश्यकता है, पेंशन की आवश्यकता है, वो हॉटस्पॉट के जोन में है, तो उन तक हमने पहुँचवाया। तो ये एक बहुत टू वे कम्युनिकेशन रहा है, मैंने प्रयास किया है कि ये सिर्फ ये ना हो कि जो जिला प्रशासन बताना चाहता है वही बात आए, बल्कि जनता भी जो कहना चाहती उसका भी हम फीडबैक लें, और इसको मैं अब और आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ कि वाकई में हम जन सहभागिता सुनिश्चित करें। जो हमारे उदाहरण के लिए मैंने ये सोचा था, आज ही मैं सोच रहा था कि जो हमारे नगर निकायों के कार्य होते हैं उसमें जो कार्य जिलाधिकारी के पास आते हैं अनुमोदन के लिए, जो नगर निकायों के माध्यम से, उनको मैं अनुमोदन के पूर्व उनको मैं ट्विटर पर डालूंगा और मैं अनुरोध करूंगा नगर निकाय के जो हमारे निवासी हैं कि वो उसमें अपनी टिप्पणी दें कि क्या कार्य और जुड़ने चाहिए, क्या उसमें से हटाने चाहिए। तो एक आज के सेटअप में जब टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच चुकी है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए अपनी बात रखने के लिए और जनता की बात सुनने के लिए, तो उसके लिए बहुत एक कारगर मीडियम मुझे लगता साबित हुआ है। तो आपने सुना कि बाराबंकी के ज़िलाधिकारी डॉक्टर आदर्श ने कई मुद्दों पर, कई प्रश्नों का उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में हमारे संविधान की जो अपेक्षा है लोक सेवकों से कि वो किस तरह से जनता की सेवा करें, वो ये ना समझे कि वो शासक हैं, वो लोक सेवक हैं। तो एक लोक सेवक किस तरह से अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का बेहतर इस्तेमाल करके लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देता है, हमें लगता है कि डॉक्टर आदर्श ने उसका पूरा प्रयास किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में बाराबंकी जनपद विकास की ऊँचाइयों को स्पर्श करे, कोरोना संकट में अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले, और उसके अलावा भी आपकी प्रशासनिक सेवा में आप जहां भी रहें लोगों के लिए एक बेहतर, एक सर्वश्रेष्ठ सेवा देने वाले अधिकारी साबित हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और धन्यवाद, आपने द इंडियन ओपिनियन पे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करें।